बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी आज की वीडियो में। और एक और सुबह हमारे नारान में सूरज जो है वो निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ इस वक्त दरिया के किनारे के ऊपर, बिल्कुल साथ ही हमारा रूम है। तो दरिया की आवाज़ जो है वो आपको एक अजीब लुत्फ देती है, वो भी सुबह सुबह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम इरादा रखते हैं स्पट जाने का। तो यहाँ पे जाल बनाया हुआ है लोहे का, ये भी पत्थर है। जाल इसलिए बनाया होता है कि पानी जब ज़्यादा होता है तो वो दरिया का पानी ज़्यादा हो तो उस साइड को ना जाए जहाँ पे रिहाइश वगैरह। तो स्पट जो है बहुत बर्फ़ होगी, बहुत खूबसूरत इलाका है। और वहाँ पे जाना भी हमें थोड़ा पैदल पड़ेगा, हाइकिंग करके, थोड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोगों ने प्लान किया कि जाएंगे ज़रूर। अगर डेढ़ घंटा लगता है तो हम जाएंगे ज़रूर, चाहे हमें दो घंटे लग जाएं या ढाई घंटे लग जाएं। तो जितना इस जगह के बारे में हम लोगों ने सुन लिया है ना अभी तक, अभी तो इंशाल्लाह जाके ही रहेंगे। नाश्ता भी हम लोगों ने करना है। टाइम जो है वो 6:50 हो रहे हैं। ये जो आप शोर जो है वो सुन रहे हैं, ये दरिया का शोर है, बिल्कुल साथ ही दरिया है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं स्पट जाने के लिए। निकल रहे थे हम स्पट की तरफ, और सबसे पहला काम जो किया वो मैंने अपर ले लिया, क्योंकि मेरी अपर जो है वो ऊपर रह गई हुई थी सैफुल मुल्क झील के ऊपर। साथ हमने आम ले लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक फायदा, हम लोग फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ से हमने दही लिया। हाँ, इस गाड़ी पे सफर करने का मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। रमजान भाई रेडी है फिर ऊपर चढ़ने के लिए? हम ऑलवेज रेडी। नहीं, ये केबल किस चीज़ की है? ये आपके कंडक्टर है। नहीं, बिजली का या वो वैसे टेलीविजन वाला? चाइना वाले ना जो। तो ये कहाँ तक चलता है ये केबल? ये चाइना से पिंडी। चाइना से पिंडी, रावलपिंडी तक? यानी ये सारे मुल्क में चाइना से आ रहा केबल? अच्छा, सही है। यानी इस एरिए को आप मैनेज कर? हमारा मेन कम्युनिकेशन है ना जैसे बाबू साहब टाप से। सही है, बाबू साहब टाप से लेकर पिंडी तक ये आपका हमारा एक है। सही है, आगे 63 सिग्नल है। यानी ये जो हम सिग्नल है, ये जो टेलीविज़न देखते हैं जियो शियो, ये वो, ये चैनल, ये चाइना से चलता है? ये चाइना से चलता। सही है। तो ये आप, आपकी बदौलत हम लोग देखते हैं। आपके दुआएं हमारे साथ। हम भी चलते हैं माशाल्लाह। तो आगे हम लोग मेन रोड से नीचे उतर गए हैं, और यहाँ पे हो सकता है 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र हो। बारिश जो है वो भी आ गई है, ये देखें बादल, इधर बारिश हो रही है और उस साइड पे उस पहाड़। ये गाड़ी है जिस पे हम लोगों ने लिफ्ट लिया, बारिश थी और अचानक से मौसम हो गया साफ। तो हम अपने रास्ते पे हैं। ये नीचे दरिया, इस साइड को भी दरिया, और इस साइड को हम जाएंगे। ये आम है, ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए, रास्ते में खाते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दही है, दही का नाश्ता हम करेंगे। मेरे लिए नहीं लिया था? तो डेली भी लिया यार, अहीं अपने लिए लिया मनिया तो लाड लियो, पर इन्हें भी ना लाड ले बनवा भी खान दे करो कुछ है। तो नाश्ता जो है वो दही के साथ कर रहे हैं हम लोग। हाँ, पहुँच जाए, पहुँच जाएगा। कितना टाइम लगता है गली से? कितना आगे टाइम लगता है? गली से आगे आपके लिए 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे? हाँ, 2 घंटे महीन तक। महीन तक 2 से 4 घंटे? नहीं नहीं, 4 नहीं लगते। हम लोग गाड़ी में, इस वक्त कोहिस्तान का नाम हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हमें देखने का भी मौका मिल रहा है। तो इतने करीब आके वापस जाने का फैसला जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं था। इंशाल्लाह
जितना डराया जाता उतना होता नहीं है कुछ भी। हाँ सही है, सही है। गाड़ी यहीं तक आएगी, इसके आगे पैदल सफ़र करना पड़ेगा तो, क्योंकि यहाँ से ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं तो अभी हो सकता है 3 घंटे लग जाएं या 4 घंटे लग जाएं। गाड़ी वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे एंड कर दिया, इससे आगे आप पैदल जाएं। तो जाना हमने वो बहुत ऊपर। ये भाई बहुत शुक्रिया मेहरबान। तो अभी यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कितना है यहाँ से आगे? 4 घंटे लगते हैं। कितने किलोमीटर का? 7-8 किलोमीटर है। अच्छा 4 घंटे लग जाएंगे। सही है, हमें हो सकता है 6 लग जाएं। सही, आराम से जाए 6 लग जाएंगे। तो शाम तक हम पहुँच जाएगा? पहुँच जाएंगे। वापसी नहीं आ सकता आज? वापसी आज नहीं आई, उधर ही रात स्टे करेंगे, सुबह आ गए वापसी। सुबह आए फिर हम लोग। चले बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे हम चलता है, दुआ करिएगा कि आगे हमारा सफ़र आसान हो। सही हो गया। अभी जी हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला है। हम लोगों ने सुना हुआ है कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो आज हमने देख भी लिया। ये देखें, ये हल्का हल्का ग्लेशियर जो है ना, ये यहाँ से पिघल रहा है बिल्कुल नीचे जहाँ से हम आए हैं, वहाँ जो बहुत बड़ा दरिया है दरियाए कन्हार, वो यही ग्लेशियर पिघलता है तो फिर नीचे जाके दरिया बन जाता है। जैन को मैंने पीछे छोड़ा, स्लो स्लो कोशिश करेंगे। पहली दफ़ा ज़िंदगी में हम सब जो हैं वो ग्लेशियर पे जो है वो चलने वाले हैं। वो तो ये पहले से लोग आए हुए हैं, कोशिश करेंगे कि जहाँ पे पाँव लगे हुए हैं ना वहीं पर हम पाँव लगा के चलें। सही है ये। हमने थोड़ा सफ़र तय कर लिया ग्लेशियर के ऊपर, और मुझे ऐसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस ये है ग्लेशियर पे चलना उतना मुश्किल नहीं है, ऐसे पहाड़ पे चलना जो है वो ज़्यादा सांस फूलता है, लेकिन ग्लेशियर में उतना नहीं सांस फूलता। इतना हम ग्लेशियर का सफ़र हमने तय कर लिया, उतना ही आगे रह गया तो उसके बाद सही रास्ता। तो सर्दी जो है वो कायदा यहाँ पे मुझे लगनी शुरू हो गई है। जब से हम लोग आए हुए हैं ना तब से मुझे अभी सर्दी का एहसास हुआ है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैप भी पहन लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अपर ना लेके आता तो मैंने अपने आप से बहुत बड़ी ज़्यादती कर देनी थी। जो भी होता अच्छे के लिए होता। तो हम लोग भी इंशाल्लाह अपना ख्वाब पूरा करेंगे ग्लेशियर के ऊपर चलने वाला। ये देखें इस तरह ग्लेशियर पिघल रहा है और नीचे दरिया में जा रहा है। सांस लेने का आसान तरीका, जहाँ पे हो वहीं पे जाम हो जाओ। बहुत तेज़ स्नोफॉल शुरू हो गई है यहाँ पे, मौसम बड़ा ख़राब हो गया। जैन ने तो कैमरा अपना डाल लिया बैग के अंदर। ये देखें ये बर्फ़बारी, मैं तो पहली दफ़ा लाइव देख रहा हूँ। जैन आप पहली तो जनाब बात कुछ इस तरह से है। इस तरह से अभी हमारे पास एक ही आम बचा है और सफ़र अभी हमारा रहता हुआ है, तो ये आम हम खा लेंगे अभी। जान खाएगा? थैंक यू। आओगे 12 बजे 1 बजे? अभी ये लास्ट और उसके बाद 3 बजे चैलेंज है, वो चोटी पर हमने जाना है। तो यहाँ से निकले तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। देखें
ग्लेशियर पे चलें तो सांस नहीं फूलता, पत्थरों पे चलें तो सांस फूल जाता है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। मैं भी जाने लगा था। ले जी, यही था फाइनल। आगे भी होगा। इधर से हम लोग आए हैं। ओए होए 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 भाई जान, पीछे से आगे, हमसे आगे भाई जान दिखाई आगे था और आगे बस उतर आई है। ओए होए, यहाँ पे गोरा था। इसे कहते हैं बर्फ और ग्लेशियर। ओए होए, ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस साइड से हम लोग आए हैं बहुत नीचे से, वो ये 14,000 फुट की बुलंदी पे है हम इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। तारक जमील। जमील, तारक जमील, सही हो गया, तारक जमील। हाँ। माशाल्लाह। तो ये कितनी बुलंदी है बताएंगे आप? तकरीबन 14,000। 14,000। हाँ। तो इस जगह का नाम क्या है? टॉप। इधर कोई गांव है इसके आगे? इस्लामाबाद है ना। सही है। तो यहाँ पे कोई नेटवर्क आ रहा है? बस चमनार का सर्विस आ रहा है और कुछ नहीं। हाँ। रसवा गली जान सो मिशे बस कल गनत यू वालों। ये घोड़ा लेको बा भाई जान का। अटा अटा कल नहीं यू वालों दादा। यहाँ पे ड्रोन मैंने उड़ा लिया था लेकिन क्या बताऊँ, हवा इतनी तेज़ है। ये देखें जैन इधर अपनी बैटरी छोड़ गया ड्रोन की। तो अभी मैं ये इसको बताऊँगा लेकिन रूम में जाके, देखिए कितना शुगल होता है। क्या हुआ है, क्या हुआ है उस लड़के को, क्या हुआ? बीमार था, बीमार था। वो टीकी दवा अभी लेके चले गए नीचे। वो मान भी टिक टिक का दाटी की। सही है, अभी कैसे लेके गए हैं? ओ आ थोड़ा फटे ना वो बंद मेरी सही है। यहां पे लड़का बीमार था तो उस साइड से लेके आए हैं, इस साइड को लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहां के रहने वाले हैं? हम तो कोहस्तान के। ये कोहस्तान कहां से शुरू हो जाता है? ये दासू से। ये अब हम जहां पे अब हम खड़े हैं इसे क्या बोलेंगे, कोहस्तान? जी जी। अच्छा। हाँ। तो यार एक बात तो बताओ, यहाँ पे तो इतनी सर्दी है, तो यहाँ कैसे रहती हो? इधर सर्दी उधर वो, बेड में कुछ नहीं सर्दी नहीं। हाँ। जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी यहाँ पे, हम तो इधर नहीं होते सर्दियों में। किधर चला जाए? दासू जाते हम। अच्छा, नीचे चला जाता है। जी अभी जाते हुए हम जल्दी चले जाएंगे ना। हाँ। आते हुए तो बहुत मुश्किल से आएंगे। आपको भी मुश्किल होता है? हाँ, हमारे लिए भी मुश्किल है, सांस का थोड़ा इधर भी हवा, ऑक्सीजन कम है ना। हाँ ना, इधर तो बड़ा मसला होता होगा जब कोई बीमार हो जाता है। हाँ ना, बस यही सिस्टम है हमारे पास यार। यहाँ पे तो फिर बड़ा मुश्किल है। इसके बाद मेरे ख्याल में रोड खुला होता है, फिर गाड़ियाँ चलता है ना, फिर मसला आसान होता है। अभी तो यही बस, देखो आपने देखा है। देखा तो है, सही है। चलें। तीन दिन बीमार था, हमने लेकर इधर आया। ओए ओए। ये वाला, ये अभी आप पीछे गांव से आया? जी। सपाट गांव से? जी।
दिन इधर से कितना था, जहाँ पे हम खड़े थे इधर से कितना था वो गांव? तकरीबन ढाई तीन घंटे लग जाए। नीचे को जाते हुए ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि आपकी दौड़ लग जाती है और फिर गिरने का ख़तरा होता है। ये भाई लोग हमारे, यार बड़ा मुश्किल है यहाँ से बीमार बंदे को इतनी दूर से लेके आना, बहुत मुश्किल है। इधर से हम लोग आ रहे हैं ऊपर से और ये देखें, इधर को हम लोगों ने जाना है। वो एक गाड़ी शायद आपको नज़र यहाँ से ना आए, वहाँ खड़ी है, उसके पास हमने जाना है। अगर आप बर्फ़ पे चल रहे हैं तो सिर्फ एक दो चीज़ों का ख्याल रखें तो फिर मसला नहीं है। एक तो चले थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, दूसरा कोशिश करें कि जहाँ से लोग पहले गुज़रे हुए हैं वहाँ से गुज़रने की कोशिश करें तो फिर मुश्किल नहीं होगी। अभी हम लोग उधर से, अभी हम लोग वहाँ से ही गुज़रे हैं आते हुए भी और जाते हुए भी, जहाँ से लोग अक्सर गुज़रे हुए हैं, पैरों के निशान बने हुए। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ऐसे चलते हैं जैसे हम अपने इलाके में चलते हैं पीछे से आते हैं और आराम से आगे निकल जाते हैं। असल में वो आदी हैं ना यहाँ के, इसलिए। भाई जान पानी पी रहे हैं? अच्छा सही हो गया। अंदर जाओ, अंदर जाओ, बैठे। ये जी नारायण के बर्गर, ये फ्राइज, हालांकि हमने ऑलरेडी खाना खा लिया हुआ है। हम लोगों ने खाना खा लिया हुआ है और आज हम लोग इतने थके हुए हैं। जैन भाई बताओ ज़रा। मैं सच बताऊं, अगर आप मुझसे इतना और चलने को कहो ना मैं चल सकता हूँ। नहीं चल तो हम सकते हैं लेकिन अभी जैसे हम सोएंगे ना की वजह से फिर थकावट, सोएंगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि जो बंदा सबसे ज्यादा थका होता है ना ठीक है, फिर उसको रात को वो क्या बोलते हैं खराटे खराटे मारता है, पता चल जाता है कि आज ये बंदा थका हुआ है। नहीं अब जिस तरह का वो रास्ता था, अब अगर बंदा कहे कि थकावट नहीं हुई तो ये कहना नामुनासिब है, गलत बात है। बहुत थकावट हुई है और खाना हम लोगों ने खा लिया हुआ था, सुबह हम नाश्ते के बगैर निकले थे जो हमारी गलती है, तो वो हमने अच्छा नहीं किया। आपने अगर स्पट जाना है बहुत प्यारी जगह है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं आप शौकीन हैं तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात ये, खाना खा के सुबह 5 या 6 बजे निकल जाएं, ठीक है? उसके अलावा इधर से जाना है सोज, नारान से सोच, सोच से आपको जीप मिलेगी, उनके मुख्तलिफ रेट होते हैं, कोई 5,000 बोलता है, कोई अपने 4,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं देना। वो जीप आपको जहाँ तक वो जा सकती है ना वो आपको लेके जाएगी, अगर जहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे वहाँ पे रुक जाएगी। अभी हम जब आ रहे थे तो मशीनरी वगैरह जा रही थी जो बर्फ़ जिसने हटानी है, खैर वो एक दो दिन में 5-6 दिन में खैर बर्फ़ वो हटा देंगे। उसके बाद गाड़ी आपको वहाँ पे छोड़ेगी, उसके बाद शुरू होगी हाइकिंग।
जो कि सबसे मुश्किल है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम, और दरख्त तो उधर देखने को मिलेगा नहीं, और बर्फ़ ही बर्फ़ होगी हर तरफ, और आराम से आपने सफ़र करना है। लेकिन जहाँ पे सफ़र आपका ख़त्म होगा ना, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। उसके अलावा छाता ज़रूर होना चाहिए, छाता बर्फ़ का। बारिश कभी भी होती 10-15 मिनट, लेकिन अगर आ गई ना, आपके कपड़े गीले हो गए तो स्लिपिंग हो जाएगी, और मौसम चेंज होते हुए टाइम सेकेंड लगते। ये चैलेंज ही था हमारे लिए, तो हमने आज जो है वो हम लोग गए, बहुत लोगों ने हमें कोशिश की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमारा। कि आपसे तो कभी कभी इस तरह का एडवेंचर होना चाहिए ज़िंदगी में ना। बिल्कुल, मुश्कपुरी तो अगर आप मुश्कपुरी टॉप किया ना, तो आटे में नमक के बराबर मीठा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने खाली पेट हाइकिंग की। हाँ, बहुत मज़ेदार रहा हमारा सारा सफ़र, और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सफ़र जो है वो बहुत कुछ आपको सिखाता है। बाहर निकलते हैं हम लोग तो उसका ये एक ये भी मकसद होता है। हम जब भी सफ़र करते हैं ना, तो जो वहाँ पर लोग रहने वाले हैं ना, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात किया करें। बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कोहिस्तानी लोग थे हमारे साथ वापसी पे, उनसे बात करके लाइक बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। वो क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। जब भी निकलते हैं तो हमारी कोशिश होती है जो मकामी लोग हैं वहाँ के रहने वाले, उनके साथ इंटरेक्ट किया जाए, और उनसे फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुख्तलिफ इलाके की ज़बानें भी आप सीख सकते हैं, और रहन सहन, और बहुत सारी चीज़ें, सबसे मेन खाने भी सीख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।